गुड इवनिंग डियर, अभी शाम के बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं और आज मैं इस समय ब्लॉग शुरू की हूँ और अभी मैं सब बताऊंगी आपको। ये देखिए, थोड़ा सा मैगी बना रही हूँ मैं और अंशु को भूख लगी है। आज पनीर टिक्का बनाई थी अंशु के लिए, दिन में अंशु के लिए पनीर टिक्का बनाई थी तो अंशु वही खाए हुए है और तकरीबन 1 o'clock के करीब में वो पनीर टिक्का खाया था। उसके बाद फिर वो कुछ चावल दाल और ये सब था तो उसको भूख नहीं लगी। अभी इवनिंग में तो वैसे भी उसको आदत है, इस समय तो सबको कुछ ना कुछ खाने की आदत है, मुझे नहीं है, मैं मोस्टली नहीं खाती हूँ, लेकिन अंशु, गुड्डू, गोल्डी सबको इस समय सब लोग खाते हैं कुछ। मैं खाती हूँ तो मुझे फिर रात में है ना थोड़ा सा अनइजीनेस लगने लगता है। Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked, you get to fly with me, I can take you down for a ride, I take you around my life. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. वो मैगी के लिए बोल देती हूँ। उसको भूख लगती है आइटम को देखकर। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो फिर मैं क्या हुआ, बिग बास्केट में ना देना होता है, पैसा भरना पड़ता है पहले। आप पैसा रखो तो आपको दूध या फिर जो भी आप मंगा सकते हो। तो बीबी डेली तो उससे अभी दूध ले रही हूँ मैं। तो क्या हुआ कि कल मेरा पैसा ख़त्म हो गया था, जो मेरा जो दूध के लिए डालती हूँ वो पैसा ख़त्म हो गया था और मैं कल पॉज कर दी थी एक दूध को, यानी कि भैंस के दूध को मैं पॉज कर दी थी कि भैंस का दूध आज मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारा भैंस का दूध है मेरे पास। तो मैं सोची भैंस का दूध नहीं देगा, बाकी तो तीन दूध तो मेरा देगा ही, मैं ये चेक नहीं की कि पैसा है या नहीं। और जब आज दूध नहीं आया तब मैं सोची कि पैसा नहीं है क्या, क्योंकि उसको दूध नहीं दिया है आज दीदी। तो जब चेक की तो देखती हूँ उसमें 25 रुपये ही है सर बचे हुए बैलेंस। तो 25 रुपये में तो कोई दूध है नहीं, तो 25 रुपये में जब बचा है तो वो फिर दूध कैसे दे। तो 8 o'clock के करीब के पहले मैं डाल दूँगी और उसके बाद पैसा जहाँ भर दूँगी कि फिर दूध आना शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि मेरे एलोवेरा के प्लांट में फ्लावर निकला है, ये देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो आप, ये देखो कितना बड़ा फ्लावर निकला हुआ एलोवेरा में, इतना ऊपर सा। मुझे लगता है सच्ची में ये क्या बात है, ये 2 साल का ही प्लांट है, लेकिन बोलते हैं कि जो एलोवेरा में जो फूल निकलता है वो बहुत बड़ा जब पेड़ पुराना हो जाता है तब निकलता है, लेकिन ये क्या फंडा है कुछ समझ में नहीं। अच्छा थोड़ा पानी लेते हो, थोड़ा पानी लाते, गिराते हुए घर में मत लाना, इसके अंदर पानी डालूंगी। ये देखो आप क्या है भैया, छवि के साथ तो सब कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें ही होती है, तो ये एक आश्चर्य की चीज़ छवि के साथ हो गया। एक ये क्या आश्चर्यचकित करने वाली बात हो गई मेरे साथ। ये देखो मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ अपने ज़िंदगी में एलोवेरा में फूल। अम्मा को भी नहीं दिखता है ना, अम्मा अम्मा आप भी नहीं देखी है ना, क्या बोली, अम्मा भी नहीं देखी है, सोचो आप। हाँ अंशु से पानी डलवा रही हूँ, थोड़ा सा डालो डालो प्यार से डालो भैया। हाँ 3-4 दिन के अंदर बस इसमें पानी डालती हूँ मैं। ये देखिए अम्मा तक भी नहीं देखी है इसको, बताइए आप लोगों को बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैं कुकर खरीदी नहीं हूँ, मैं कुकर बनवा चुकी हूँ
और मेरा कुकर एकदम टू टाइट होकर के आ चुका है। ये देखो एकदम टाइट हो गया कुकर, एकदम परफेक्ट हो गया और नीचे से भी ठोक ठाक करके ठीक कर दिया गया है इसको। तो अभी जब तक मॉल नहीं जाऊंगी तब तक इसी कुकर से काम चलाऊंगी, अभी मॉल नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी तो देखा जाएगा। तो कुकर मेरा बन चुका है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ छोले और कचौड़ी। दिन में आज छोले कचौड़ी है, हाँ वही वही छोले और पूरी। और मेरा यहाँ पे नेनुआ जो है सो उसको छिल रही है। और ये मीरा का मसाला राइस बना हुआ है, देखिए मेरा छोले चढ़ चुका है कुकर के अंदर और नेनुआ चना, ये देखिए नेनुआ चना बन चुका है। रात की सब्जी मैं इस टाइम में ही बना लेती हूँ बस। ये देखिए नेनुआ चना बन के रेडी हो चुका है। अब मतलब पूरी बना रही हूँ लंच के लिए, ताकि लंच में मैं छोले और पूरी खिला सकूँ। तो अभी मैं गैस को कर रही हूँ ऑफ और ये नेनुआ चना बन के हो गया है रेडी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देख रहे हो बेचारा मतलब रोड पे बैठ गया बेचारा, बोल बोल के। हाँ इसका किस्मत जो है वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये देखिए बेचारा सुशांत सिंह, इसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है यार सीरियसली। ये बंदा को देखिए, ब्लू शर्ट वाले को, बस अब ब्लू शर्ट वाला ये नहीं बेचारा, इसमें अभी जान बाकी है, ये अभी खड़ा है, लेकिन जो वो ब्लू शर्ट वाला है ना, उसका तो बेचारे का सारा जान जो है वो ख़त्म हो गया, उसके शरीर में पावर नहीं रह गया, वो बेचारा अब रोड पे बैठ जा रहा है बोलते बोलते। मैं तो सोचती हूँ कि गोल्डी जब जाएगी यार रिपब्लिक भारत, तो इसको तो एक तो आदमी चाहिए होगा इसको उठाने के लिए। हाँ गोल्डी उठो, गोल्डी उठो, गोल्डी उठो, ठीक है। मेरे घर में मोस्टली सबसे ज़्यादा आर भारत ही चलता है, यानी कि रिपब्लिक भारत ही चलता है, नहीं तो इंडिया टीवी, बाकी हम लोग और कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं। ये हमारा हाँ जी अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपब्लिक भारत ही चलता है और आपको ये इंडिया टीवी ही चलता है, बाकी और चैनल चलता नहीं आज तक। तो भैया एकदम ये कर दी हूँ बात, आज तक देखती नहीं हूँ। आप देख रहे हो ना, रात के बज रहे हैं 11:30 हो रहा है और ये आप देखो जो भी बर्तन होता है ना, जो थोड़ा बहुत सुबह में लगता ही है मुझे, तो वो मैं रात में धो करके रख देती हूँ ताकि सुबह में जो है मुझे परेशानी ना हो, जैसे कि कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, तो ये सब जो है मोस्टली मैं धो करके रखती हूँ। रात में मेरे घर में आपको जूठा बर्तन नहीं दिखेगा कभी भी, जब भी आप आओगे तो मेरे घर में आपको जूठा बर्तन नहीं दिखेगा। मेरा किचन रात के टाइम में ऐसा ही दिखता है। आज मैं आपको रात का दिखला रही हूँ कि अपना किचन कैसा दिख रहा है, आपको दिखलाती हूँ कि रात के अभी कितने टाइम हो रहा है। तो ये देखिए 11:45 जो है आपको होने जा रहा है, यानी कि 11:45 हो रहे हैं। और ये देखिए, और ये मेरा कुकर बन के आ चुका है, अपने जगह पे रखा हुआ है वो। तो ऐसा ही आपको रात में मेरा किचन दिखता है। जब कभी भी मैं रात में कभी भी अपना किचन आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरा रात में किचन कैसा दिखता है, आप देख लो। तो ये जो है ऐसा ही किचन मेरा रात में रहता है, बर्तन सब जो भी ज़रूरत रहता है वो सब धो करके रख देती हूँ मैं। और ये पालक है इसके अंदर डाला हुआ, इसको मैं अभी फ्रिज में डाल दूंगी क्योंकि इसका पूरा पानी निकल चुका है, अब इसको मैं फ्रिज के अंदर डाल दूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। किचन दिखने वाला है मेरा हमेशा, मैं दिखलाती नहीं हूँ लेकिन रहता ऐसा ही है।